राधे राधे जी, आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारे घर में मंदिर है, ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी सुबह सुबह जो भी विक्रम आपके घर में, उनका जब सुबह सुबह अभिषेक करते हैं, अभिषेक करने के बाद ठाकुर जी की मालिश कैसे करी जाए। जैसे हमारा ही मंदिर है आपका, ये यहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजमान है, छोटे से लल्ला हमारे, इनको देखिए अब मैं बताऊंगा इनका अभिषेक कैसे करना है। जैसे सबसे पहले अपने घरों में एक जलपात्र ले लीजिए अपना, एक जल लीजिए उसमें आपका, और जल में सबसे पहले अपना एक बनाइए गुलाब जल अपना। गुलाब जी जैसे कितना डालना है अपना, ये अपना जैसे प्योर रोज वाटर होता है ठाकुर जी के अभिषेक के लिए, इसमें एक कैप लीजिए गुलाब जल को, एक कैप इसको हल्का सा जल पात्र पूरे में डाल दीजिए अपना, ये पूरा डाल दिया अपना ये। अब ठाकुर जी का अभिषेक करते समय एक बात ध्यान रखना, कोई भी ज्वेलरी अंगूठी वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है। हम ठाकुर जी की मालिश करेंगे, ठाकुर जी मालिश करते समय उनको कोई भी उनके हानि ना, उनके अंग में उनके लगे नहीं। ये बाल रूप में तो होता है बच्चों का, क्या कहते हैं अंग कितना कोमल होता है, ऐसे लड्डू गोपाल जी का अंग कोमल रहता है आपका ये। अब आई उनका अभिषेक करते हैं आपका ये, और अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जो भी आपका मंत्रोच्चारण हो वो करते रहिए सबसे बढ़िया आपका ये। ये ठाकुर जी का अपना सुबह सुबह प्रातः काल उठने के बाद स्नान कराइए, उनका स्नान कराइए। सबसे पहले अपना ठाकुर जी को हाथों में लीजिए और ठाकुर जी को इस भाव से स्नान कराइए, जैसे ठाकुर जी आप बेचारे सुबह सुबह गाय चरा के आए, थक गए बेचारे, अब उनका सुबह से अभिषेक करिए, रात में रास लीला करके आए ठाकुर जी बेचारे, उनका स्नान कराइए अपना अभिषेक करके, गुलाब जल मिला के अपना लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम जी हो, जो भी आपके घर में विग्रह हो, कृष्ण जी हो, राधा जी हो, उनका पूरा अभिषेक करके स्नान करा के पूरे उनके अंग सेवा करिए, पूरा उनका पीठ रगड़िए आपका, पूरा पूरे पैरों में लग जाइए उनके, पूरे उनके उनके कंठ में अपना, उनकी मालिश करने से आपका जितने भी जो भी मनोकामना आपके मन में हो सब पूर्ण हो आपका ये, सब ठाकुर जी की मालिश करते समय पूरा अंग, जैसे अपने छोटे बच्चे का मालिश करते हो नहलाते समय आपका, ठीक वैसे ही उनका मालिश करिए, पूरा चेहरा साफ करिए उनका, पूरा मुकुट ऐसे अपने साफ करते करते फिर अपना अभिषेक करिए अपना, पूरा अभिषेक कर लिया अपना, और इसमें जो जल पात्र है आपको उसमें अपना विराज दीजिए। और फिर घर में जाए ठाकुर जी को अपने वो बना रखा, उनकी तौलिया वगैरह कुछ भी हो अलग से, उन्हें एक तौलिया लीजिए अपना, ऐसे अपना ठाकुर जी बैठाइए ऐसे। और इस जल पात्र को फेंकना नहीं है कभी, इसको चरणार्थ के रूप में पिया करो, उसमें गुलाब जल मिला हुआ है, गुलाब जल आपका पेट साफ करता है, खून साफ करेगा, किडनी साफ करता है, अब तो ठाकुर जी का चरणार्थ बन गया है, कितने फायदे होंगे इसके लिए, कभी नहीं फेंकना है। थोड़ा सा बच गया, थोड़ा सा तुलसा जी में अर्पण कर दीजिए अपना, इसको जल पात्र में रख दिया हमने। अब ठाकुर जी को अच्छे से पोछेंगे आपका ये, बहुत ध्यान से आराम से लगे नहीं बिल्कुल उनके, ऐसे अपना पोछते रहिए आपका ये, अब से उनके पूरे पैरों पे, उनके ऐसे आपका उनके माथे पर, उनकी आंखों पर, उनके पीठ पे अपना पोंछ के वैसे विराजमान कर दीजिए। अब सबसे मेन अब ठाकुर जी की मालिश, सबसे मेन चीज जो आता है आपका ठाकुर जी की मालिश कैसे करें हमें लल्ला की लड्डू गोपाल जी की, ये जो इत्र रहता है आपका गुलाब का, देखो जैसे गुलाब का इत्र ऐसा आपका हर मौसम में हर भगवान को लगा लो, इसलिए मैंने गुलाब का इत्र लिया है मैंने अभी। और इत्र की मालिश कैसे करनी है आपको ये, इसको हल्का सा कुछ लोग करते हैं कॉटन से, कॉटन से मत करो, हाथों से करो अपना, सबसे बढ़िया रहता है आपका ये। हल्का सा इत्र लीजिए अपना ये, इतना ले लिया आपने हल्का सा इत्र, और इसको अपना ये बंद कर दीजिए अपना ये, और हाथों से पूरे रगड़ के ठाकुर जी के उनकी पूरी बॉडी पर, पहले उनके चरणों पे लगाइए अपना, उनके चरणों पे मालिश करिए दोनों चरणों पे उनके, उनकी पूरी पीठ पे, उनके मस्तक पर, उनके कंठ में, पूरी जगह अपना बॉडी मसाज करिए अपना, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे की मालिश करते हैं ना आपका, ऐसे अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश करिए अपना, सबसे विशेष उनके आपका पूरी पीठ पर रगड़ते रहो, रगड़ते रहो एकदम, और इस हॉल कितना शाइनिंग आ जाएगा आपका, जब तक शाइनिंग नहीं आ जाए तब तक रगड़ते रहिए अपना ये हल्का सा, ऐसे मालिश करते समय उनको प्रेम से देखिए अपना ये, जैसे कोई बच्चा को हम करते हैं अपने घरों में उस प्रकार से पूरा मालिश करके। और उनका मालिश करने के पश्चात बस आप कुछ पहने नहीं आपको, क्योंकि हाथ में पहनोगे उनके लगेगा ऐसे, कभी भी नहीं करना चाहिए ऐसे आपका ये, पूरे पहन लिया आपका ये लड्डू गोपाल जी के, पूरा फिर उनको ऐसे विराजमान कर दीजिए, उनको वस्त्र पहनाते अपना ये, पूरा वस्त्र धारण कराइए उनके, यहाँ वस्त्र है जो भी ज्वेलरी आपने लिया हो उनके लिए आपका, जैसे आपका देखो लड्डू गोपाल जी का येलो वस्त्र आपका ये अपने ठाकुर जी को ऐसे लीजिए अपना, और इसको अपना ऐसे लड्डू गोपाल जी हो कोई भी हो आपके, इनके ऐसे ठाकुर जी के वस्त्र ऐसे पहना दीजिए अपना ही सबसे मेन।
वैसे अपने ठाकुर जी की पोशाक बना दी हमने ये पूरा आराम से, और उनका जो आपका ये है उनके बाल लगाएंगे सुंदर से, ऐसे बाल लगा के तैयार होंगे मैं लड्डू गोपाल जी। और आपका सबसे मेन बात तिलक आपका ये अब तिलक लगाना अपना, ये जो किए थे तिलक रहता आपका अष्टगंध, ये वाला अष्टगंध में क्या आपका उसमें हल्का से लेना है बस हाथों में। और अपना चंदन में खास बात ये होता है इसके अंदर आपका लड्डू गोपाल जी का जो माथा जो मस्तक वो कभी काला नहीं होता, इससे अपने चंदन में एक खास बात होती है ये, कभी गौर करिएगा ठाकुर जी का माथा काला हो जाता है इस चंदन से, क्या आपका ये ठाकुर जी का माथा काला नहीं करेगा। इसमें आपका चंदन पाउडर, गोपी चंदन, ठंडक के लिए कपूर आपका सब चीज़ मिला हुआ है इसके अंदर आपका ये, उसके लिए अपना ये ऐसे लीजिए अपना ये, और ऐसे पूरा जैसे ठाकुर जी के मस्तक पे ऐसे लगा दीजिए अपना ऐसे भी से। चंदन लगा दिया अपने ठाकुर जी के, और चंदन लगाने के पश्चात उनकी जो माला वगैरह जो भी आपका हो उनको धारण कराइए आपका, ये है माला आपका ठाकुर जी के, ये हो गया। उनको मुकुट पहना दीजिए अपना ये, जो भी आपका मुकुट वगैरह हो ऐसे, ये है अपना ठाकुर जी अपना। और इसके पश्चात अब करेंगे अपना ठाकुर जी का क्या कहते हैं आरती, ये धूपबत्ती जलाया करिए अपना अगरबत्ती जो है दिया बत्ती करा करिए सुबह से अपना ठाकुर जी का स्नान अभिषेक करने के बाद। ओके ये है आपका ये थाल अपना, ये है जो भी आपका इसमें अपना दिया बत्ती रखिए एक तरफ दिया, और एक तरफ आपका इसमें धूपबत्ती लगाइएगा इसमें रखता है आपका ये दिया बत्ती, ये है इसको बत्ती हुआ ऐसे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम तो आज की वीडियो हम ही पे पूर्ण करते हैं अपना, मेरा बतीने तरीका ये था सुबह ठाकुर जी का स्नान करें, उनकी मालिश कैसे करें, उनका जो गुलाब जल मिलाइए अपने जितना भी जो भी जल पात्र हैं स्नान कराते हैं आपका, ये है आपका ठाकुर जी का उसका चंडनाथ पीजिएगा पिए अपने जितने भी घर में सदस्य उनको चंडनाथ पी लिया, और नहाने के बाद बिना चंडनाथ, ये नहीं कि आप उठते ही पी लिया ऐसे नहीं, नहाने के बाद उसका चंडनाथ ग्रहण करना, और थोड़ा सा बचा गया लास्ट में तुलसा जी में अर्पण कर देना आपका उनके, ये आपका ये इसी माने तात्पर्य था आपका वीडियो का, उसके लिए राधे।